हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द फर्मेंटेशन टेक्निक सो दिस इज़ अवर पार्ट फॉर वीडियो लेक्चर ऑन दिस फर्मेंटेशन एंड टुडे वी स्टडी इन डिटेल अबाउट द फर्मेंटेशन मीडिया के जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ मीडिया कि जो फर्मेंटेशन के लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं तो ये हो गया हमारा सिंपल हम देखें तो फर्मेंटर बट फर्मेंटर के अंदर फर्मेंटेशन कराने के लिए जो हमें मीडिया चाहिए तो ये है मीडिया के जो कहा जाता है फर्मेंटेशन मीडिया या फिर फर्मेंटेशन मीडियम भी उसको हम कहते हैं तो फर्मेंटेशन मीडिया या फिर मीडियम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसके होते कि जिसके कारण फाइनल जो है वो तैयार होता है हमारा फर्मेंटेशन मीडिया के जिसके अंदर हम स्पेशली जो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी कराते हैं ग्रोथ तो मीडिया की जरूरत पड़ती है माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाने के लिए कि जिसके अंदर अच्छे से उनकी जो है ग्रोथ हो सकती है तो उसके लिए हम जो फर्मेंटेशन मीडिया बनाते हैं उसका डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सम मोर कंपोनेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स विच आर एडेड इन फर्मेंटेशन मीडिया तो बी अपडेटेड विथ फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अब लॉन्च कर दिया गया है तो फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर से मिल से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं एंड एप्पल आईफोन यूज़र है वो ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते तो वेल एंड्रॉइड स्टोर दोनों के लिए एप जो है वह अवेलेबल है सो डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एज वेल एज एपल आईफोन ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज ऑन एप स्टोर के जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर जीपैट फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर नाइपर एग्जाम ऑल्सो यू कैन फाइंड द वीडियो लेक्चर ऑन दिस ऐप स्टडी मटेरियल्स एंड मच मोर सो डाउनलोड दॉक्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल ऑज एप्पल आईफोन स्टोर सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेंटेशन की फर्मेंटेशन क्या है सबसे पहले तो ऑलरेडी हमने डिटेल में आपको समझाया है यहाँ पर जस्ट हम एक ही सेंटेंस में सीखेंगे कि फर्मेंटेशन मेटाबोलिक प्रोसेस कि जो प्रोड्यूस करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स कि जिससे हम हमारी जो फीड मटेरियल है उसको डिजायर प्रोडक्ट के अंदर डेवलप कर सकते हैं फीड विल बी कन्वर्ट इनटू टू द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर फर्मेंटेशन मीडियम एंड यूजिंग द माइक्रोब्स की। जैसे मेरे पास ये सुगर है तो ये मेरे पास है फीड मैं यूज़ कर रहा हूँ यस्ट एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस फेवरेबल कंडीशन की ऑक्सीजन की एबसेंस में करना है तो वो एंड जो मैंने मीडिया बनाया होगा वो मीडिया या मीडियम के अंदर फर्मेंटेशन करा के मेरी जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो अल्कोहल डेवलप करूँगा और एज अ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलेगी बाय प्रोडक्ट तो ये है फर्मेंटेशन की जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन मीडिया की एंड फेवरेबल कंडीशंस डेवलप करके आप लास्ट में आपकी प्रोडक्ट डेवलप कर सके जैसे कल्चर कि जिसके अंदर स्पेशली प्रेजेंट है माइक्रोब्स कि कल्चर के तौर पे हमारा कल्चर मीडिया भी कहा जाता है जिसको हम कहते हैं कल्चर मीडिया और ये कल्चर मीडिया के अंदर होते हैं स्पेशली माइक्रोब्स अब ये कल्चर मीडिया कंटेनिंग माइक्रोब्स ऐड किया जाता है हमारा फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर कि ये जो दूसरा मीडिया है वो है फर्मेंटेशन मीडिया और ये फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर हम हमारा कल्चर ऐड करते हैं जिससे एक प्रॉपर जो है वो फीड मटेरियल तैयार हो जाता है ये दोनों कंबाइन होके बना देते हैं हमारे लिए हमारा फीड मटेरियल कि ये जो फीड मटेरियल है उसको हम फार्मेंटर के अंदर फर्दर ऐड करेंगे फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करेंगे ज़रूरत पड़े तो एक्सट्रैक्शन करना पड़े प्यूरिफिकेशन, स्टरिलाइजेशन स्टोरेज एंड लास्ट में सप्लाई तो फर्मेंटेशन लार्ज स्केल, स्केल पर भी किया जाता है लेबोरेटरी स्केल पर भी किया जाता है स्पेशली टू डेवलप द दे फूड फार्मास्यूटिकल, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह प्लस जनरल रिक्वायरमेंट के लिए हमने देखा था कि फर्मेंटर चाहिए हमें न्यूट्रिशनल मीडिया चाहिए कॉन्टामिनेसन फ्री एनवायरमेंट टेम्परेचर मेंटेनेंस, पीएच वग़ैरह फैसिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ती है फर्मेंटर के अंदर इनलेट होता है आउटलेट होता है सेंसर्स लगे होते हैं पी एच हीट ऑक्सीजन वगैरह के लिए वाटर जैकेट होता है हॉट एंड कूल वाटर को ऐड करने के लिए एंड उसका आउटलेट भी होता है प्रोडक्ट के लिए आउटलेट एजिटेटर मोटर वगैरह ऐड होते हैं फिर बात आती है मेन फर्मेंटेशन मीडिया की तो मीडिया की ज़रूरत है न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए कि जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं न्यूट्रिशंस की फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज़म और ये न्यूट्रिशंस के कारण वो कर सकती है अपना ग्रोथ तो उसके लिए जो हमें जैसे हवा पानी और खुराक की जैसे बात करते हैं ऐसे हम उसको कार्बन सोर्स देते हैं नाइट्रोजन सोर्स वाटर सॉल्ट एंड माइक्रो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वाटर उसका मेन प्रायोरिटी है कार्बन सोर्स नाइट्रोजन एंड मिनरल्स वो हम मेन इन्ग्रेडियंट्स है सबसे पहले ये चारों मेन इन्ग्रीडियंट्स हमने पार्ट थ्री के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जिसलिए ये लेक्चर में हम फिर से उसका रिविजन नहीं करेंगे न्यूट्रियस में वाटर एक्सेप्ट एस एस एप्ट मतलब कि जो सॉलिड होता है सॉलिड फर्मेंटेशन मीडिया के अलावा जितने भी अलग अलग फर्मेंटेशन मीडिया बनते हैं सभी के अंदर एक्सेप्ट द सॉलिड सभी के अंदर वाटर जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंट है कि हीटिंग के लिए कूलिंग के लिए क्लीनिंग जैसे एंसिलरी सर्विसेज के लिए एज वेल एज एज अ सॉल्वेंट या फिर वेहिकल के तौर पे सॉल्वेंट या फिर वहीकल के तौर पे हम ये वाटर को यूज़ करते कि जिसके अंदर अलग अलग जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम डिज़ोल्व करवा सकते हैं तो यह था वाटर की जरूरत उसके बाद कार्बन सोर्स कि जो मेन सोर्स है एनर्जी के लिए एनर्जी का जो मेन सोर्स है माइक्रोब्स के लिए कि जिससे वो लास्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस करके एनर्जी प्राप्त करते हैं तो मोलासिस मतलब कि गुड़ जौ डेक्स्ट्रीन स्टार्च सल्फाइड वेस्ट लेकर आल्किन अल्कोहल, आल्किस ऑयल फैट वगैरह कार्बन के सोर्सेज है नाइट्रोजन के सोर्सेज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेज इनऑर्गेनिक में स्पेशली एमोनिया और उसके अलग अलग सॉल्ट है सल्फेट है वगैरह यूज़ किए जाते हैं एंड इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर कॉर्न स्टिप लेकर है अमाइनो एसिड से प्रोटीन यूरिया येस्ट एक्सट्रैक्ट है सोयाबीन मिल है पैप्टोंस है वगैरह बन जाते हैं नाइट्रोजन के सोर्स इन ऑर्गेनिक वे कि ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड और इन ऑर्गेनिक दोनों सोर्स अवेलेबल है नाइट्रोजन के लिए कि यह सोयाबीन ये, सोया ये स्टेक्सट्रैक्ट पेप्टोन एंड यह है हमारा कॉन्स्टिव लिकर मिनरल्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग जैसे हमारे बॉडी को मिनरल्स चाहिए वैसे माइक्रोस भी सर्वाइव के लिए मिनरल्स चाहिए तो एसेंशियल कंपोनेंट्स के लाइक मैग्नीशियम, फॉस्फरस पोटासियम सल्फर कैल्शियम एन क्लोराइड जैसे एसेंशियल एंड जो पर्टिकुलरली कोई प्रोसेस के लिए जो चाहिए जैसे कि कोबाल्ट कॉपर है आयन है मैंगनीज मोलेब्रैनम, जिंक वगैरह की भी अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए वाटर के अंदर कि जो हम यूज़ करते हैं फार्मेंटेशन के दौरान उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिनस एंड ग्रोथ फैक्टर्स की जो अलग अलग विटामिन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो सिंथेसाइज करते हैं अपने अंदर विटामिन्स uh, तो मैनी बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑल नेसेसरी विटामिन फ्रॉम बेसिक एलिमेंट्स की जो हमने प्रीवियसली अलग अलग कार्बन के सोर्सेज दिए नाइट्रोजन दिए प्लस उसको हमने वाटर प्रोवाइड किया मिनरल्स प्रोवाइड किए तो उसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं कि जो अपना विटामिन खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं बट समझो कि कुछ केसेस है कि समझो कि बैक्टीरिया वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते तो आप विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स को अलग से फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर ऐड कर सकते हैं सो फॉर अदर बैक्टीरिया फिलामेंटस फंगाई एंड यस्ट दे मस्ट बी एडेड एज अ सप्लीमेंट्स टू फर्मेंटेशन मीडियम की जो एज अ विटामिन सप्लीमेंट की जो अलग अलग विटामिन जो हम जानते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर ए डी ई एन के जो हम एडेक कहते हैं विटामिन ए डी ई एन के और वाटर सोल्यूबल में पूरा बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स में बी ट्वेल्व है बी फाइव बी सिक्स बी सेवन पी बी टू वगैरह जो इंक्लूड होते हैं तो ये सभी विटामिनस ग्रोथ फैक्टर का काम कर देगी जिससे माइक्रोब्स अलग अलग उनकी ग्रोथ कर सकती है बाय यूटिलाइजिंग दिस विटामिन इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस द मोस्ट नेचुरल कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स आल्सो कंटेन एटलीस्ट सम ऑफ द रिक्वायर विटामिन एज अ माइनर कॉन्टामिनेट्स कि कुछ विटामिन उनको कार्बन के जो सोर्सेज हमने कुछ लिए नाइट्रोजन के सोर्सेज की जो ऑर्गेनिक सोर्सेज थे कि लाइक सोयाबीन था हमने देखा पैप्टॉन्स था फिर कार्बन के जो सोर्सेज अलग अलग हो लेते कि मोलासिस है उसके अलावा जो बार्ली वगैरह यूज़ की जाती है तो उसमें से भी कई विटामिनस मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम को तो यह है विटामिन एज ए ग्रोथ फैक्टर्स दूसरा इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है वो है चिलेटर्स चिलेटर्स की जो चिलेट बनाते हैं या फिर चिलेट कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं उससे और जब भी चिलेट का नाम पड़ेगा तो आपके माइंड में सबसे पहले ई डी टी ये तो आ ही जाता होगा कि चिलेटर्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड वेरी टाइटली टू द मेटल आयंस कि जो मेटल आयंस होते हैं उसके साथ ये चिलेट्स फॉर्म करते हैं कि जैसे कि इथीलिन डायमेंड टेट्रा एसिडेड तो इथिलिन डायमेंड टेट्रा एसिड ने अपने अंदर ये वाला मेटल आयन को एंट्रप किया है जिससे क्या बनता है ईडी टी ए प्लस मेटल उसका तैयार होता है ये कॉम्प्लेक्स तो उसकी जरूरत क्या है वाई वी डीड चिलेटर्स तो यहां से एक पॉइंट समझो कि जो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जो फ्री मेटल्स हैं वो फ्री मेटल्स कई बार अलग अलग जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं और जिसके कारण फर्दर फाइनल प्रोडक्ट जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट पे क्या करते हैं वो अफेक्ट करते हैं बाय मेकिंग सम रिएक्शंस विथ स्टार्टिंग मटेरियल और विद द एंड प्रोडक्ट और विद द इंटरमीडिएट के जिससे कई बार इंटरमीडिएट बन जाते हैं या फिर फाइनल प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो रिड्यूस करवा देते हैं बाय मेकिंग सम कॉम्प्लेक्सेस विथ और मेकिंग द वेरियस रिएक्शन विथ अदर इंग्रेडिएंट्स की जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है लाइक like विटामिन है मिनरल्स है प्लस कार्बन के सोर्सेज नाइट्रोजन के सोर्सेज उनके साथ रिएक्शंस करके फिर लास्ट में प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो डिक्रीज कर देते हैं ये फ्री मेटल आयन की जो प्रेजेंट होते हैं फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये जो चिलेटर्स है वो स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर कि स्पेसिफिक अमाउंट की जितनी अमाउंट जरूरत है उतनी ही अमाउंट के अंदर वो हम ऐड करते हैं जिससे इनके बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स विथ ई डी टी जब ई डी टी के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो ये जो फ्री थे उसके जगह उसका अब क्या हो चुका है कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ना ही कोई ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे ना ही फाइनल प्रोडक्ट की ऊपर अफेक्ट करेंगे जिससे ये वाला पाथवे जो है वो यहाँ से ही कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा तो समझो कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो आगे की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी कि जिससे किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्सेशन करवा देते हैं हमारे फ्री मेटल्स की जो कुछ प्रेजेंट होते हैं इन फार्मेंटेशन मीडिया तो इडिट ये इथिलीन डायमंड टेट्रासीटेट और अदर चिल्स के लाइक ट्रांसफेरिन यूज़ करते हैं हम कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम यूजिंग द ट्रांसफेरिन एज अ चिलेटर्स तो ऐसे समझो कि हमारे मीडिया के अंदर समझो कि ये मेटल प्रेजेंट था आयन अब ये मेटल कई बार अलग अलग रिएक्शंस में टेक पार्ट करके सिंथेसिस करके या फिर सिंथेसिस में इनहिबिट करवाता है और लास्ट में हमारे प्रोडक्ट पे अफेक्ट पड़ रही है तो हम ईडी जो होता है उसके साथ उसका कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो ये है ईडीटीए का स्ट्रक्चर तो ये डी टी से कॉम्प्लेक्स बनाकर आप देखो अब ईडीटीए का चिलेट बन चुका है और आयन एडिटीए का जो कॉम्प्लेक्स बना उसके अंदर आयन का ये जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो गया है एंट्राफ entraff. एंट्रापमेंट हो जाता है उसका जिसके कारण अब वो फ्री नहीं है तो फ्री नहीं है एंट्राफ हो चुका है कॉम्प्लेक्स बन चुका है जिसके कारण अब कोई भी रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करेगा तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चिलेटर्स अदरवाइज इट मे इनहिबिट ग्रोथ तभी तो मैंने जो बात की कि प्रॉपर लिमिट के अंदर ही वो चिलेटर्स हमें ऐड करने हैं एक्सेसिव ऐड नहीं करने बिकॉज एक्सेसिव ऐड करने से कई बार वो उनका रिवर्स काम करते हैं कि जो ग्रोथ प्रमोट करने के बजाय ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं सो इन मैनी मीडिया दीज आर एडेड सेपरेटली आफ्टर ऑटोक्लेविंग की जब हम स्टरिलाइजेशन करते हैं ऑटो क्लेविंग करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं और ये एक्ट्रिक्स पेप्टोन कॉम्प्लेक्स विद दिस मेटल आयन तो ये था चिलेटर्स चिलेटर्स के बाद इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, वो है प्री तो प्री में से एम सी क्यू बहुत पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो प्री फॉर फर्मेंटेशन तो ऐसे सब्सटेंस कि जो हम ऐड करते हैं टू इंक्रीज दिल्ड और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि प्री करसर्स आर डिफाइन एज द सब्सटेंसिस एडेड प्रायर टू और साइमल्टेनियसली विद द फर्मेंटेशन विच आर इनकॉर्पोरेटेड विदाउट एनी मेजर चेंज इन टू द मॉलिक्यूल्स कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बिना किसी मेजर चेंज किए हम डायरेक्टली उसको ऐड करते हैं फॉर्मेंटेशन मीडिया के अंदर और उसको ऐड करने पीछे का जो रीजन है हमारा मोटिव है रीजन का है या फिर जो हमारा मोटिव है टू इंक्रीज द और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो ये एक सबसे पहले पिन पॉइंट है आपके लिए एमसीक्यू के लिए तो ये पिन पॉइंट आप आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर खास लिख लीजिए कि जब आप हमारे लेक्चर्स को अटेंड करते तो रिकॉर्ड बुक को खास साथ में लेकर ही बैठिए जिससे जो भी पॉइंट आपको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट तुरंत आप वीडियो को पॉज करके लिख ले एज वेल एज स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ये जो पिन पॉइंट्स होते हैं उसके जिससे आप इजीली याद रख सकें तो प्री आर द कम्पोनेट एडेड मीडियम फॉर ऑफ द डिज़ायर प्रोडक्ट एज वेल एज टू इंक्रीज द क्वालिटी दोनों पॉइंट जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रीकरसर्स अब आपके पास नॉलेज आ गई है प्री करसर्स के बारे में तो अब उसकी एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं तो उसके जो एग्जाम्पल्स है कि फर्स्ट वन इज इज द फिनाइल एसिटिक एसिड फिनाइल एक्सिटिक एसिड इज यूज एज ए प्री करसर फॉर पेनेसिल जी प्रोडक्शन इन दैट वी यूज द माइक्रो ऑर्गेनिजम पेनेसिलियम क्राइसोजेनम तो दिस इज योर मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट मोस्ट आई एम पी पॉइंट फर्स्ट एग्जाम्पल फिनाइल एसेटिक एसिड सेकेंड एग्जाम्पल है फिनॉक्सी एसेटिक एसिड की जो एज ए प्री करसर यूज होता है फॉर पेनेसिलिन वी फिनाइल एसेटिक एसिड पेनेसिलिन जी के लिए जबकि फिनॉक्सी एसिडिक एसिड पेनिसिलिन वी के लिए और दोनों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम सेन है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम इट वॉज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द की जब फर्मेंटेशन से हम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करते हैं तो उस वक्त उसकी जो येल्ड इंक्रीज करने के लिए हम ये प्री को ऐड करते तो मोस्ट आई एम पी पॉइंट मोस्ट मोस्ट आई एम पी में कहूँगा कि ये एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव लाइक जी के लिए डी है नाइपर एग्जाम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम सभी के लिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक और एग्जाम्पल है वो है क्लोराइड्स का कि क्लोराइड्स आर यूज एज ए प्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेसियोफुल्विन के ग्रेसियोफुल्विन को हम जानते हैं कि एंटीफंगल एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो अलग अलग स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं ओरली उसकी जो टैबलेट्स है वो पेशेंट को दी जाती है टैबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर वो अवेलेबल है एंड उसके लिए जो प्री जो अभी आपको ये याद रखना है इट इज़ ए क्लोराइड उसके अलावा सेकंड जो एग्जांपल है हमारा ये स्लाइड के अंदर वो है साइनाइड का कि साइनाइड यूज एज ए प्री करसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व की जब आपको विटामिन बी ट्वेल्व का प्रोडक्शन करना है तो उस वक्त आप यूज़ करोगे साइनाइड को एज ए प्री करसर बिकॉज विटामिन बी ट्वेल्व का पूरा नाम आपको हमको पता है तो कोबाल एमाइन भी कहते हैं या फिर कई बार उसको साइनो कोबाल एम हम कहते हैं तो साइनो ग्रुप को ऐड करने के लिए प्री के तौर पे हम उसके अंदर ऐड करते हैं साइनाइड एज अ प्री तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है साइनाइड का एंड विटामिन बी ट्वेल्व तो जो, जो हम जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है ऑल्सो प्रोड्यूस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन तो ये है प्री की जो फर्मेंटेशन मीडिया में ऐड किए जाते हैं प्री के बाद जरूरी जो इंग्रेडिएंट्स है दूसरे वो है इंड्यूजर्स तो इंड्यूजर्स की ज़रूरत क्या है तो इंड्यूजर्स ऐसे है कि जो हम कह सकते, सकते हैं कि इनिशिएटर भी कह सकते हैं बहुत सारे उसके लिए हम सीनोनिम्स यूज़ करते इनिशिएटर स्टार्टर्स डायरेक्टर्स कि जो पाथवे दिखाते हैं प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं स्टार्ट करवाते है कि समझे कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं इस तरह से और कुछ मोड़ पे पहुँच के ऐसे एक रास्ता ये साइड जा रहा है और एक रास्ता ये साइड जा रहा है तो जब आपको डायरेक्शन चाहिए प्रॉपर प्रॉपर डायरेक्शन की रिएक्शन को कौन सी दिशा में लेकर जाना है तो कौन सी मुझे प्रोडक्ट मिलेगी तो ये समझो कि मैं ये डायरेक्शन पे जाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मिलती है और समझो कि मैं गलती से ये डायरेक्शन में चला गया तो मुझे मिलेगी बाय प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी या फिर इंटर मीडिएट जो है वो जनरेट हो गए तो जब मैं ये पॉइंट तक आऊँगा रिएक्शन के तब मुझे कोई ऐसा चाहिए कि जो मुझे अच्छे से गाइड करे इंड्यूस करवाए कि जिसके कारण मैं जो है वो कौन सा पाथवे सिलेक्ट कर लूँ ये डायरेक्शन में चला जाऊँ तो जब मैं ये डायरेक्शन में जाऊँगा तो इनिस तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा कि इनिस से मैं यहाँ पे था यहाँ से मैं ये जगह पे आ रहा हूँ और यहाँ पे ये पॉइंट पे आकर जब मैं कन्फ्यूज़ हो जाता वो समझो कि टाइम लाइन के अकॉर्डिंग टू तो देखे तो ज़ीरो टाइम पे मैं यहाँ था आफ्टर फाइव मिनट मैं यहाँ था फिफ्टीन मिनट ट्वेंटी फाइव मिनट और यहाँ से अब मैं कन्फ्यूज़ हो के मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो वो काम कर कर देते हैं मुझे ये इंड्यूजर्स कि एक टाइप के स्पेसिफिक इंड्यूजर्स कंपाउंडर स्ट्रक्चरल एनालॉग से कि इफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंड्यूजर्स कि डायरेक्शन तो देंगे प्लस वो इंड्यूजर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और वो इंड्यूजर के तरीके से समझो कि यहाँ पे एक लगाया हुआ है साइन बोर्ड तो अब मैं पूरा रोल आपको समझाता हूँ कि समझो कि यहाँ पे एक अच्छे से साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि जैसे हम हाईवे पर देखते हैं कि ये साइड जाने के लिए लेफ्ट ले लें या फिर ये साइड जाने के लिए राइट साइड ले लें तो ये साइन बोर्ड जो है वो काम करते हैं इंड्यूजर का कि उनकी यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी प्रेजेंस एट राइट टाइम एट राइट पाथवे कि प्रॉपर टाइम पे प्लस प्रॉपर प्लेस पे ये इंड्यूसर्स होने चाहिए कि जिससे प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने में आपको हेल्प होती है कि समझो कि यहाँ पे जो इंड्यूसर नहीं होता तो आप यहाँ से मिसगाइड हो सकते थे कि आप ये साइड भी जा सकते थे या फिर ये साइड भी बट जब इंड्यूसर है तो ये वाला रास्ता कम्प्लीटली आपके लिए ब्लॉक ही हो जाता है सिर्फ ये वाले डायरेक्शन पे ही आप जाएंगे तो ये है इंड्यूजर्स आगे जानते हैं उसके बारे में डिटेल में कि इट मस्ट भी इनकॉर्पोरेट इन टू द कल्चर मीडियम और एडेड एज अ स्पेसिफिक पॉइंट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन स्पेसिफिक पॉइंट की मैंने जो बात की कि जब टर्निंग आता है स्पेसिफिक पॉइंट तो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे ही जरूरी है ये इंड्यूसर की कि जिससे वो आपको सही रास्ता दिखाए कि आपको यह सर जड़ना है तो एक ही साइड ही आप मुड़ोगे बी की साइड का रास्ता आपके लिए बंद कर देगा बेस्ट एग्जाम्पल आप देखोगे तो वो है एम आई लिज है तो एम आई एस का जो फंक्शन है वो हम जानते हैं कि एम आई लिज एंजाइम जो है वो स्टार्च या फिर डैक्स्ट्रेन वगैरह होते हैं उनको लास्ट में सिंपल सुगर के अंदर कन्वर्ट करता है तो स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो ही आपको सुगर मिलेगा अगर यहां पे स्टार्च नहीं है तो एम जो है वो कहीं पे भी जा सकता है तो दिस इज कॉल्ड ए इंड्यूजर कि फॉर एम आई इंड्यूजर इज ए स्टार्च सो इन प्लांट सेल कल्चर अब ये होगा इंड्यूजर के बाद अब सेकंड पॉइंट समझना जरूरी है एलिसिटर्स क्या है तो जब बात आती है प्लांट्स के बारे में तो द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज फ्लेवेनोइड्स एंड टर्पेनॉइड्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय एडिंग द एलिसिटर्स तो ये पॉइंट बनता है आपके लिए एम के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन प्लांट सेल कल्चर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज फ्लेवेनोइड एंड टर्पेनॉइट कैन बी ट्रिगर तो उस वक्त जो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो है एलिसिटर्स की उस वक्त आप एलिसिटर्स को सिलेक्ट करेंगे और एलिसिटर्स के जो एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे इंड्यूजर्स के सॉरी एलिसिटर्स के तौर पे अलग अलग प्लांट इस्यू कल्चर के दौरान हम अलग अलग एलिसिटर्स यूज करते हैं वो अब जस्ट यहाँ पे आपको याद रखना है उसकी डेफिनेशन की जो एम के लिए पूछी जा सकती है अब आप समझिए एंजाइम्स और उनके इंड्यूज़र और जो माइक्रो यूजफुल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो अल्फा एम के लिए इंड्यूजर है स्टार्च माल्टोस पुल्यूलानानेस जो है उसके लिए भी माल्टोस अल्फा मेनोसिडेस के लिए यीस्ट है पेनिसिलिन एसाइलेस के लिए फिनाइल एसिटिक एसिड है प्रोटीस के लिए वेरियस प्रोटीन्स सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज है सेल्यूलेज एंजाइम है तो उसके लिए सेल्यूलोज पैक्टिनेज है एंजाइम तो उसके लिए इंड्यूजर का काम करेगा पैक्टीन नाइट्रालेज है तो आइसो वेलेरो ऐसे ही समझो कि लाइपेज एंजाइम का मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसके लिए इंड्यूजर का, का काम करेंगे लिपिड पैरॉक्सीडेस के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस तरह से इंडियोजर एंड एलिसडर्स आपको याद रखने हैं कि जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है इनहिबिटर्स। कि इनहिबिटर्स हम क्यों ऐड करते हैं टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स और बाय प्रोडक्ट कि समझो कि रिएक्शंस का पाथवे ए से लेकर बी है बट बीच में यहाँ से समझो कि डाइवर्ट होके ये इंटरमीडिएट सी बनाता है या फिर फर्दर यहाँ से दो में डिवाइड हो जाता है एक प्रोडक्ट और दूसरी बाय प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट का जो पाथवे है उसको इनहिबिट करने के लिए एज वेल एज ये इंटरमीडिएट का पाथवे को रिड्यूस करने के लिए इनहिबिट करने के लिए हम इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं कि जो पाथवे है उसको ब्लॉक करवा देते हैं कि इनहिबिटर्स आर यूज टू रीडायरेक्ट मेटाबॉलिज्म टूआर्ड्स द टारगेट प्रोडक्ट सिर्फ टारगेट को याद रखेगा इंटरमीडिएट एंड मेटाबोलिट्स को कि जो बायो प्रोडक्ट है उनको रिड्यूस कर देगा तो अदर्स हॉल्ट ए पाथवे एट अ सर्टन पॉइंट टू प्रिवेंट द फर्दर मेटाबोलिज्म प्रोडक्ट समझो कि बी बनता है बट बीच में एक पॉइंट आता है कि जहां पर सी इंटरमीडिएट बनता है तो वो वाला पाथवे समझो कि मैं इनिबिट कर देता हूं ये वाला पाथवे यहां से इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा फिर आगे सी का कोई वजुद ही नहीं रहेगा सी बनेगा ही नहीं कि जो इंटरमीडिएट है और डायरेक्टली डायरेक्शन कौन सी होगी ए से, हो से लेकर बी की तो क्या होगा ये पाथवे जो है वो हॉल्ट कर दिया या फिर उसको इनहिबिट कर दिया जिससे सिर्फ हमें हमारी फाइनल प्रोडक्ट ही डेवलप होकर मिलती है तो इस तरह से आपको याद रखना है ये हमारे प्रोडक्ट्स उसके इनहिबिटर्स उनकी जो मेन इफेक्ट एंड उसके रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये मोस्ट टाई टेबल बन सकता है एम के लिए तो सबसे पहले समझो ये ग्लिसरॉल तो ग्लिसरॉल के लिए इनहिबिटर है सोडियम बायसल्फाइड टैट्रासाइक्लिन के लिए है ब्रोमाइड ग्लूटामिक एसिड के लिए है पेनिसिलिन साइट्रिक एसिड के लिए है अल्कली मेटल फॉस्फेट पी बिलो टू फिर पाँच नंबर में वेलाइन देखो तो उसके लिए वेरियस इनहिबिटर्स एंड नंबर छः पे है रिफामाइसिन बी तो डाइटाइल बारबीचूरेट तो इतना ही पूछेंगे प्रोडक्ट और उनके इनहिबिटर और उनकी जो इफेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि सोडियम बायसल्फाइड तो एसिटैल्टीहाइड प्रोडक्शन को रिप्रेस करता है फिर ब्रोमाइड जो इनहिबिटर है क्लोटेट्रासाइक्लिन फॉर्मेशन रिप्रेस कर देता है ग्लूटामिक एसिड सेल्वर परमेबिलिटी को रिप्रेस करता है अफेक्ट करता है साइट्रिक एसिड एसिड को रिप्रेस करेगा एंड वला लाइन वेरियस इनिवेक्ट विथ डिफरेंट इनहिबिटर्स एंड डाइथेल बारबीचूरेट है वो अदर रिफामाइसेंस को इनहिबिट करके ओनली रिफामाइसिन बी ही आपको देगा एज अ प्रोडक्ट तो ये है इनहिबिटर्स की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर दर फॉर्मेशन उसके बाद इम्पोर्टेंट है वो है एंटी फॉर्मिंग गैजेंट्स की जो हम ऐड करते हैं टू रिड्यूस द फॉर्म फॉर्मेशन कि जो फॉर्म क्रिएट होता है तो समझो कि हमारे पास ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट है तो उसको हम प्रॉपरली किसी बीकर के अंदर ट्रांसफर्ट करके किसी बीकर के अंदर तो किसी बीकर के अंदर हम उसको लेकर इस तरह से कि जो भी क्वान्टिटी है कि हमें वन फिफ्टी एम एल चाहिए या फिर 200 हंड्रेड जितना करना है तो डिजायर क्वांटिटी हम अच्छे से मेज़र करके फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर ऐड करेंगे तो रिड्यूस द फॉर्म फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर्म कैसे क्रिएट होता है कि जो हमारे अंदर अलग अलग सोर्सेज हमने डाले कि प्रोटीन सोर्सेज है तो जो नाइट्रोजन के सोर्सेज है कार्बन सोर्सेज प्रोटीन है सोयाबीन वगैरह है उसके कारण तो उसका जब डी होता है तो फॉर्म क्रिएट होता है और वो जल्दी से डिसरप्टेड नहीं होता तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो है ऐड कर देते हैं इन फर्मेंटेशन मीडियम तो उसके कौन से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है तो जो फर्मेंटेशन हमारा करना है तो उसके लिए जो फॉर्म क्रिएट ना हो उसके लिए जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट है उसकी जो आइडियल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए तो इजीली डिस्पर्स होना चाहिए डिस्पर्स रेडीली एंड हैव ए फास्ट एक्शन सेकंड इज एक्टिवेट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन कि जब लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हम यूज़ करें तो वो एक्टिव होना चाहिए लॉन्ग एक्टिंग इन प्रिवेंटिंग न्यू फॉर्म लॉन्ग एक्टिंग कि जब कोई न्यू फॉर्म क्रिएट होता हो तो लॉन्ग एक्टिंग बिकॉज की जो फर्मेंटेशन है वो मिनिमम एट आवर्स तक भी चलता है और मैक्सिमम जो है वो सेवन डेज के लिए फोर्टीन डेज़ फिफ्टीन डेज जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी वो चलता है तो उस वक्त आपका एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो है वो कैसा होना चाहिए और uh, स्टेबल रहना चाहिए टिल दैट टाइम पीरियड के जो लॉन्ग लास्टिंग उसकी इफ़ेक्ट दे सके शुड नॉट बी मेटाबोलाइज उसका मेटाबोलिज्म नहीं होना चाहिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए शुड नॉट बी टॉक्सिक टू माइक्रोब्स एज वेल एज द ूमन चीप एंड सुड नॉट कोज द प्रॉब्लम इन फर्मेंटेशन की फर्मेंटेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इस तरह से ये होना चाहिए एंड मस्ट बी चीप मतलब कि कैमिकली हम कह सकें तो कैमिकली वो होना चाहिए इनर्ट कि किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन उसमें टेकपाट ना करें सिर्फ उसका एक ही काम होना चाहिए एज अ डिफॉर्मर कि सिर्फ फॉर्म को रिड्यूस कर दे और कंप्लीटली उसको डिजोल्व कर दे वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए तो ये आइडियल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है रेडिली अवेलेबल डिस्पर्स रेडिली हैव फास्ट एक्शन एक्टिवेट लो कॉन्सेंट्रेशन लॉन्ग एक्टिंग होना चाहिए शुड नॉट बी मेटाबोलाइज नॉन टॉक्सिक सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस एंटी फॉर्मिंग एजेंट key various chemicals such as liquid surfactant as well as solid particles help to reduce the surface tension and thus rupture the bubbles example of deforming agent are 2 octanol olic acid paraffinic waxes amine waxes amide waxes sulfonated oil organic phosphate silicon oils mineral oil dimethyl polysiloxane, and dimethicon तो सिमिथिकॉन जो है वो वाइडली यूज होता है बहुत बार एम के अंदर भी पूछा गया है तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जितने भी ये एग्जाम्पल से मोस्ट आई एम पी फॉर द एग्जाम अच्छे से आपको ये तैयार करने हैं एंटीफॉर्मिंग एजेंट उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट कह सके या फिर जो रिक्वायरमेंट कह सके वो है ऑक्सीजन की फर्मेंटेशन मीडिया स्पेशली फॉर एरोबिक कि जब फर्मेंटेशन आपका एरोबिक है तभी आपको ये ऑक्सीजन देना है टू फर्मेंटेशन मीडिया के जो हम देते हैं थ्रू एरेटर कि जो एरेशन के लिए हमने रखे या फिर जो हम कहते हैं स्पार्जर्स कि स्पार्जर्स के थ्रू ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं वो भी कंप्लीटली प्योर फॉर्म में अच्छे से फिल्टर किया हुआ फ्री फ्रॉम डस्ट डस्ट फ्री एंड माइक्रोब्स फ्री एयर विथ ओ टू कि जो हमारी एयर जो हम सप्लाई करेंगे वो डस्ट फ्री एज वेल एज माइक्रोब्स फ्री होनी चाहिए प्रॉपर स्टराइल जो हम कह सकते हैं इसके लिए आप हेपा फिल्टर्स का भी मदद ले सकते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं फिल्टर्स तो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में वेरी वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन सोर्स फॉर मोस्ट फर्मेंटेशन द एयर ऑक्सीजन सप्लाई इज फिल्टर स्टरिलाइज प्रायर टू बींग इंजेक्टेड इन टू द फर्मेंडर की जो मैंने बात की कि प्योर होनी चाहिए फिल्टर करना जरूरी है डस्ट फ्री माइक्रोब्स फ्री एयर विद ऑक्सीजन जो है वो आप सप्लाई करिए इन फर्मेंटेशन मीडिया द ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में वेरी वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन सोर्स फॉर मोस्ट फर्मेंटेशन द एयर फॉर और ऑक्सीजन सप्लाईज फिल्टर स्टेरिलाइज फायर टू बीग इंजेक्टेड इन टू द फर्मेंटर को अच्छे से उसको स्टराइल करना जरूरी है एंड उसको डस्ट फ्री माइक्रोब्स फ्री करने चाहिए एंड प्रॉपर प्योर अमाउंट में ही ऑक्सीजन जो है वो इनलेट होना चाहिए तो ये था डिटेल में रिगार्डिंग द फर्मेंटेशन मीडिया तो ये हमने सीखा स्टडी ऑफ मीडिया इन डिटेल सो जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप बाय सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एन वीडियो ऑफ फार्मारॉग्स यूज द एफ फार्मस फॉर वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज डाउनलोड द एप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द Apple App Store links are given in a description box. So you will find the study material, test series, video lecture, topic wise study material, test series, everything is available on this app. So, must download the app, get the links in description boxes. So, good luck and all the best.